टेलीविजन जगत का एक बहुत बड़ा नाम, एक जाना माना चेहरा और बिग बॉस का एक्स कंटेंडर और साथ ही साथ फिनाले में सलमान खान जी के बगल में खड़ा कंटेंडर कौन, जो कि तारीफ कर रहा है रुबीना दिलैक की, जो कि राहुल और रुबीना में से चाहता है कि रुबीना जीते। आइए बात करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बात कर रहा हूं करिश्मा तन्ना जी की। जी हाँ, करिश्मा तन्ना जो कि बिग बॉस की एक्स कंटेंडर रह चुकी हैं गौतम गुलाटी के सीजन में। गौतम जी के साथ वो स्टेज में खड़ी थी, सलमान खान ने ऐसे ऐसे हाथ किया था और गौतम जी का हाथ उठाया था। और आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो वो खतरों के खिलाड़ी भी जीत चुकी हैं। अब करिश्मा तन्ना ने दोस्तों रिसेंटली उनको पेपराजी पकड़ती हैं और वो मस्त एकदम जूस पी रही हैं और जूस पीते पीते वो बातचीत कर रही हैं। और उसी दौरान क्या कहती हैं करिश्मा तन्ना, करिश्मा तन्ना कहती हैं कि राहुल मेरा अच्छा दोस्त है बट मैं चाहती हूं कि रुबीना जीते। जब उनसे पूछा जाता है अभिनव का गेम कैसा लगा, वो अभिनव बहुत अच्छा खेल रहा है, आउट हो गया वो, फिर उसके बाद अभी रुबीना है लेकिन उम्मीद यही है कि रुबीना ही जीतेगी। फिर उसके बाद उनसे ये भी पूछा जाता है राहुल के बारे में क्या है कहना, तो वो कहती है कि राहुल भी अच्छा खेल रहा है नो डाउट और राहुल तो मेरा अच्छा दोस्त भी है। ये बात कहती है करिश्मा तन्ना, बट यहाँ पर वो ये बात कह देती है कि मैं दिल से चाहती हूं कि रुबीना जीते। जी हां, रुबीना को जिताना चाहती हैं करिश्मा तन्ना। एक ऑल बड़ा, एक ऑल बिग नेम जो है रुबीना के पक्ष में उतरा है। बिपाशा बासु ले लीजिए, रश्मि देसाई ले लीजिए, या फिर वो इंटरनेशनल सिंगर, अमेरिकन सिंगर, मैंने जिनके बारे में आपको बात बताई थी, करिश्मा तन्ना ले लीजिए, मतलब अखा इंडिया ले लीजिए, सभी लोग चाहते हैं कि रुबीना जीतेगी और रुबीना ही जीतनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों 21 तारीख को क्या धमाल होता है। आई एम लिटरली यू नो इन स्केप्टिकल, क्या होगा क्या नहीं होगा, हे भगवान, लेट्स सी। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। चलता हूं मैं।